बसम्स अल्लाम हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर फोर फोर पॉइंट फोर लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था अब भी वही क्वेश्चन वही है हमारे पास सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन लास्ट क्वेश्चन भी हमारे पास वही था सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसमें से हमने एक पार्ट लेकर उसको हमने एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करके दिखाया सही एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करी अब मैंने एक और पार्ट पिक किया है और इसको मैं सॉल्व करूँगी एक और मेथड से जिसका नाम है क्रैमर रूल

रूल इससे सॉल्व कर इसको ठीक है ना आपके बट ज्यादातर चांसेस किसके हैं कि वो मेथड लिख कर देते हैं शो होता है ऊपर मेथड या से करना है या फिर एडजॉइंट मेथड से करना है है ठीक जो क्वेश्चन में आएगा आपने उसको सॉल्व करना है ठीक है अब हमने एडजॉइंट तो सीख लिया था अब है क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अच्छा सा है ईजी सा है आप इसको मैट्रिक क्लास में डिस्कस करके आते हैं सही वहां आपने स्टडी किया होता है क्रैमर्स रूल उसी टाइप का है है कि क्वेश्चन हमारे पास अच्छा पहले तो सबसे पहले क्या चीज है हमारे पास जो इक्वेशन है क्वेश्चन है वो इक्वेशन की फॉर्म में वही जो लास्ट टाइम हमने काम किया था स्टार्ट का तो वैसा ही है हमारे पास ना करना क्या है इस इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे मैंने क्या कहा था जो अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड उनको वो लेफ्ट साइड पर होने चाहिए और जो कांस्टेंट होते हैं जो वेरिएबल्स इनके साथ नहीं होते उनको राइट हैंड साइड पर होना चाहिए तो हमारे पास बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर एक्स वाई जेड है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमारे पास नंबर है ये तो सही है हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर अरेंज ना होते सबसे पहले हम इन इक्वेशन को अरेंज करते ठीक है अब अरेंज नहीं करना हमने सही चलें अब करना क्या है मैट्रिक्स बनाते हैं हम मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम भी कि सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है फिर y की और फिर z की ये रूल है ठीक है ना चले हम x की वैल्यू लिखते हैं पहले सही x का काफिशन क्या है कॉफिशन लिखे जाते हैं x का कॉफिशन क्या है यहाँ पे वन है सही लिख दिया हमने y का कॉफिशन क्या है वन है यहाँ पे z नहीं है अब मेरे पास z नहीं है लेकिन z की कोई वैल्यू तो लिखनी ही है हमने अब z नहीं तो z की जगह हम क्या लिख देंगे जीरो ठीक है ऐसी बाकी क्वेश्चंस में भी होगा जैसे फर्स्ट करें तीन वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है कोई एक वेरिएबल मिस है तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे हमेशा जीरो लिख देंगे ठीक है यही क्वेश्चन से भी सॉल्व हो सकता है अगर आप इस क्वेश्चन को से सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा दोनों मैथड से अगर आप एडज्वाइंट से सॉल्व करेंगे तब भी यही करेंगे आप काम जो अभी कर रहे हैं हम ठीक है ना चले अब यहां पर आ जाए नेक्स्ट वाले में देखिए एक्स है तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे जीरो वाई की जगह वन और जेड की जगह वन ठीक है लास्ट में आते हैं ये रहा एक्स एक्स का ऑप्शन क्या है वन वाई नहीं है वाई की जगह जीरो और जेड का ऑप्शन क्या है वन सही ये हो गया हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं एक्स है वाई है और जेड है ठीक है चलें आगे चलते हैं इज इक्वल्स टू b, हमारे पास क्या है फाइव सेवन सिक्स है। सही हमारे पास ये रहा चलें ये मैट्रिक्स हमारे पास ए कहलाती है हमेशा ये ए ही होती है ठीक है अच्छा इसमें हमें वो ए एक्स और बी लिखने की नीड है भी नहीं भी आपकी मर्जी आपकी चॉइस है लिखना चाहते तो आप लिख लें कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है ये एक्स है और ये बी है लेकिन इसका काम नहीं है क्योंकि ये एडजॉइंट मेथड नहीं है वो इसलिए वो जो फॉर्मले लिखे जाते हैं वो एडजॉइंट मेथड के लिए लिखे जाते हैं ये ग्रामर्स है इसमें बस आप इसे लिख लें चाहे ना लिखें सही अच्छा सबसे पहला काम हमें इसमें करना क्या होगा एडजॉइंट फाइंड करना है फॉर सॉरी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए सही क्रैमल रूल में सबसे पहला काम क्या करेंगे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइन करेंगे हमने ज्वाइंट मैथड में भी सबसे पहला काम क्या किया था डिटर्मिनेट ऑफ ए ही फाइन किया था यहाँ तक तो सेम ये मैथड सही है ना चले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइन करते हैं ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइन करना है डिटर्मिनेंट कैसे आएगा वन जीरो वन 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 जीरो जीरो वन वन ठीक है हमने फाइन करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कैसे फाइन करते हैं फर्स्ट वैल्यू डिटर्मिनेंट माइनस सेकेंड वैल्यू फिर डिटर्मिनेंट प्लस लास्ट वैल्यू और फिर डिटर्मिनेंट अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है फर्स्ट वैल्यू वन है इसके यार रो कॉलम और इसकी रो को स्किप कर देंगे ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम कॉपी कर देंगे सही यहाँ आ जाए ये कौन सा एलिमेंट है ये रहा वन इसका कॉलम इसकी रो छोड़ देंगे जो वैल्यूज बची उनको लिख देंगे जीरो वन 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 सही ये कौन सी वैल्यू है मेरे पास ये वाली है तो इसका कॉलम इसकी रो छोड़ देंगे और जो वैल्यूज बची जीरो वन वन जीरो इसको यहाँ कॉपी कर देंगे सही इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैसे किया जाता है सिम्प्लीफाई इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं वन को जब मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगी वन जा वन माइनस इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को जब मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो माइनस वन फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वन सा जीरो माइनस इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जीरो यहाँ पे आ गया जीरो जीरो को मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूँ आंसर क्या होता है जीरो आ जाता है यहां पे जीरो आ गया जीरो को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया आंसर जीरो डायरेक्ट जीरो लिख दिया हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या हो गया वन माइनस जीरो वन बचेगा माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन बचेगा ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वन वनजा माइनस प्लस वन वनजा अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन मुश्किल लगती है तो आप कैलकुलेटर यूज कर लें ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ एज इक्वल टू वन प्लस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया टू आ गया अगर मैं इसको एड्वाइन से सॉल्व कर रही होती तब भी मेरे पास क्या आता टू आ जाता अब यहाँ से मेथड डिफरेंट हो गया ठीक है यहाँ तक तो वैसे ही था जैसे एडज्वाइन वाला था अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है अब हमें फाइंड करना है जैसे हमने फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया अब हम फाइंड करेंगे फोर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स अब ये ए एक्स क्या है ये देख लेते हैं हम ए एक्स जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसमें एक्स वाली वैल्यूज कौन सी हैं फर्स्ट वाली वाई वाली ये रही जेड वाली ये रही एक्स वाली वैल्यूज ये एक्स के लिए फाइंड कर रही हूं तो मैं एक्स वाली वैल्यूज को रिप्लेस कर दूंगी बी वाली वैल्यूज से मतलब जो ये वाली वैल्यूज है इनकी जगह मैं कौन सी वैल्यूज लिख दूंगी ये वाली वैल्यूज लिख दूंगी खुद से ठीक है ना क्या लिखूंगी यहां पे फाइव सेवन सिक्स लिख दिया ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे वन वन जीरो और जीरो वन वन सही इसी इसी तरह जब मैं ए वाई के लिए सॉल्व करूंगी तो मैं इन वैल्यूज को वाई वाली की जगह लिख दूंगी और जब मैं जेड के लिए सॉल्व करूंगी तो इन वैल्यूज को मैं जेड की जगह लिख दूंगी सही चले इसको करते हैं सॉल्व ए एक्स इक्वल टू आप लोगों को आ तो गया सॉल्व करना बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे हम इसको फर्स्ट वैल्यू लिखी डिटर्मिनेंट माइनस सेकंड वैल्यू लिखी डिटरमिनेंट प्लस लास्ट वैल्यू लिखी डिटरमिनेंट बना दिया हमने सही रो और कॉलम स्किप किए वन जीरो वन वन रो और कॉलम स्किप किए सेवन सिक्स वन वन रो और कॉलम स्किप किए सेवन सिक्स वन जीरो सही ए ऑफ एक्स इज इक्व टू फाइव इसको सॉल्व करते हैं वन वन जा वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस माइनस वन सेवन को वन से क्या सेवन वन जा जैवन सिक्स वन जा सिक्स ठीक है प्लस यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं जीरो को इस मैट्रिक्स मे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जीरो ठीक है ए ऑफ एक्स इज इक्वस टू फाइव वन माइनस जीरो वन बचेगा मेरे पास माइनस वन सेवन माइनस सिक्स सात में से छः जाएंगे एक बचेगा मेरे पास ठीक है ए ऑफ एक्स इज इक्वस टू फाइव वन ज फाइव वन वनजा वन ए ऑफ एक्स का आंसर मेरे पास क्या आया फाइव माइनस वन फोर सही सिमिलरली फॉर ए ऑफ वाई ए ऑफ वाई के लिए सॉल्व करेंगे हम सही ए ऑफ वाई में क्या होगा हमारे पास अब कौन सी वैल्यू रिप्लेस होगी वाई वाली वैल्यूज इसकी जगह आ जाएंगी, सही ये ऐसे ही वन ज़ीरो वन ठीक है अब ये बी वाली वैल्यूज इसकी जगह लिख दी जाएंगी फाइव सेवन सिक्स ठीक है और लास्ट वाला कॉलम एज इट इज ज़ीरो वन वन ठीक है अब बिल्कुल इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे ए ऑफ वाई टू फर्स्ट वैल्यू डिटर्मिनेट सेकेंड वैल्यू डिटर्मिनेट लास्ट वैल्यू डिटर्मिनेट सिर्फ फर्स्ट वैल्यू ये है कॉलम और रो छोड़ देंगे सेवन सिक्स वन वन रो और कॉलम छोड़ देंगे जीरो वन 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 रो और कॉलम छोड़ देंगे जीरो वन सेवन सिक्स ठीक है ए ऑफ वाई क्वस टू वन इसको सिंप्लीफाई करते हैं सेवन वन जैन सिक्स वन सिक्स माइनस फाइव जीरो माइनस वन प्लस जीरो जीरो क्यों लिखा मैंने इस जीरो को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जीरो आ गया ए ऑफ वाई इज इक्व टू वन ऐसी सेवन माइनस सिक्स वन ठीक है माइनस फाइव जीरो माइनस वन माइनस वन आएगा मेरे पास ठीक है ए ऑफ वाई मेरे पास क्या आ गया वन माइनस माइनस प्लस फाइव वन जो फाइव ए ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ गई सिक्स आ गई अब लास्ट है हमारे पास फोर ए ऑफ जेड अब ये जेड के लिए सॉल्व करना है मुझे तो अब क्या होगा ये बी की वैल्यू जेड की जगह रिप्लेस हो जाएगी ठीक है ए ऑफ जेड इज इक्वल टू वन जीरो वन 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 जीरो और फाइव सेवन सिक्स बिल्कुल वही काम करना है हमने सही ए ऑफ जेड इज इक्व टू फर्स्ट वैल्यू लिखी डिटामिनेट सेकेंड वैल्यू लिखी डिटामिनेट और लास्ट वैल्यू लिखी डिटामिनट सही रो और कॉलम स्किप किए वन जीरो सेवन सिक्स रो और कॉलम स्किप किए हमने जीरो वन सेवन सिक्स ठीक है फिर इसके लिए रो और कॉलम स्किप किए जीरो वन वन जीरो ठीक है ए ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वन मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स माइनस जीरो माइनस वन जीरो माइनस सेवन प्लस फाइव जीरो माइनस वन ठीक है सिंप्लीफाई कर लेते हैं चाहे तो आप कैलकुलेटर से कर लें सिक्स माइनस जीरो सिक्स आ जाएगा माइनस वन माइनस सेवन आ जाएगा प्लस फाइव इंटू माइनस वन आ जाएगा सही ए ऑफ जेड मेरे पास आ जाएगा सिक्स वन जैड सिक्स प्लस सेवन वन जैद सेवन माइनस फाइव ए ऑफ जेड मेरे पास आ गया एट सही हमें क्या करना है कैमर रूल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है ए ऑफ़ एक्स ए ऑफ वाई ए ऑफ जेड फाइंड करना है आखिरी स्टेप हमारे पास कैमर रूल का होगा हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी x की वैल्यू कैसे आती है डिटर्मिनेंट ऑफ x डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a वैल्यूज पुट करनी है y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a सही और z की वैल्यू आएगी की डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड डिवाइड बाई डिटर्मिनंट ऑफ a सही a ऑफ x a ऑफ x मेरे पास क्या है फोर और डिटर्मिनट ऑफ a क्या है टू ए वाई क्या है मेरे पास सिक्स और ए क्या है टू ए जेड क्या है एट और डिटर्मिट क्या है टू कैंसिल कर लेते हैं इसको तो हमारे पास आंसर आया टू थ्री फोर सही लास्ट स्टेप हमें क्या लिखना होता है सोल्यूशन सेट सही दोल्यूशन सेट इज हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है टू वाई की वैल्यू आई है थ्री और जेड की वैल्यू आई है फोर हमने क्रैमर रूल सोल्व से सॉल्व किया एक्स वाइज एड की वैल्यू फाइंड कर ली अगर मैं इसी क्वेश्चन को एडजॉइंट से सॉल्व करूंगी तो सेम यही आंसर आएगा लास्ट लेक्चर में मैंने उस क्वेश्चन को एडज्वाइंट से सॉल्व किया था आप उसको खुद से क्रैमर रूल से सॉल्व करें और चेक करें बिल्कुल सेम आंसर आएगा ठीक है ये था क्रैमर रूल पेपर में क्रैमर रूल आता है तो आपने इससे सॉल्व करना है एडज्वाइंट आएगा तो आपने दूसरे मेथड से सॉल्व करना है बहुत ईजी था इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इससे आगे की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह तब तक, तक के लिए अल्लाह हाफिज़